बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पिछले साल जवान, पठान और डंकी से धमाल मचा चुके हैं और अब उनकी अपकमिंग फिल्म किंग की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। सुजॉय घोष के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना भी लीड रोल में नजर आने वाली है। वहीं अब अमिताभ बच्चन ने भी इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि अभिषेक बच्चन भी किंग फिल्म में नेगेटिव रोल करते आपको नजर आने वाले हैं। अब शाहरुख खान की इस मूवी में नए एक्टर की एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार किंग के फिल्म में मंजुआ एक्टर अभय वर्मा की एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शाहरुख खान की फिल्म किंग में मंजुआ एक्टर अभय वर्मा एक मेन रोल में नजर आने वाले हैं। बताया गया कि फिल्म मंजुआ में अभय वर्मा को उनकी एक्टिंग के लिए खूब ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया गया है और इसी कारण उन्हें बॉलीवुड से कई ऑफर भी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभय को शाहरुख खान की किंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल मिल रहा है और इस फिल्म के लिए वो बहुत एक्साइटेड भी हैं। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि अभय वर्मा किंग में क्या किरदार निभाने वाले हैं। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद लग रहा है कि किंग में अभय सुहाना खान के साथ रोमांस करते नजर आने वाले हैं। बता दें कि किंग फिल्म को शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ ही सिद्धार्थ आनंद और ममता आनंद का प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, साथ ही किंग के शूटिंग लोकेशन भी फाइनल हो चुके हैं। वहीं प्रोडक्शन टीम सभी लीडिंग स्टार्स की डेट मैच करने में जुटी है, जिससे इसी साल नवंबर से किंग की शूटिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अपने बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी है। सुहाना ने जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और अब वो अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली हैं।